नमस्कार, वीकेबी न्यूज़ के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रफुल्ल पटेल ने दी राज्यसभा पर प्रतिक्रिया। पटेल द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र किया गया दाखिल। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 15 लाख रुपए के पैकेज का किया गया वितरण। प्रधानमंत्री ने बच्चों को दिया कड़ी मेहनत का संदेश। और वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे की जांच है जारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रफुल्ल पटेल द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस वक्त उन्होंने कहा कि मेरे लिए सम्मान की बात है और मेरे पक्ष ने फिर से विश्वास कर मुझे 6 साल राज्यसभा पर काम करने का मौका दिया है। ये कहते हुए उन्होंने आभार व्यक्त किया। माझ्या साठी सन्मानाची गोष्ट आहे की माझ्या पक्षाने माझ्यावर परत विश्वास व्यक्त करून राज्यसभेवर 6 वर्षासाठी काम करण्याची संधी दिली आहे। खूप वर्षापासून मी पवार साहेबांच्या सहकारी म्हणून काम करत आलेलो आहो। काँग्रेसमध्येही राष्ट्रवादी जेव्हा बनली तेव्हापासून संस्थापक सदस्य म्हणून आणि लोकसभेवर 4 वेळा गेलो, राज्यसभेवर 2-3 वेळा गेलो, आता परत 6 वर्षासाठी मी काम करणार आहे। हे एक माझ्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे। आता भाजपने का असा तिसरा उमेदवार दिला मला काही त्याचा हिशोब समजला नाही। साधारणतः बिनविरोधच राज्यसभेची निवडणुकी होत असतात, पण यावेळी त्यांनी काही माहीत नाही कोणत्या आधारावर हे हिशोब काढला आहे। पण जर तुम्ही विचार केला तर भाजपाकडे त्यांचे स्वतःचे 22 अधिक मत आहे आणि त्याच्याबरोबर 6-7 त्यांच्याकडे जे सोबत त्यांना सहकार्य करणारे अपक्ष आमदार आहे, तर 42 कोटा कसं पूर्ण करतील ही मला शंका आहे। आणि म्हणून ठीक आहे, भरायला भरतील, पण अजूनही त्यांना संधी आहे 3 तारखेपर्यंत फेरविचार करून परत फॉर्म माघार घेण्याची। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का नया संकल्प शिविर हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया था। इस पृष्ठभूमि में प्रदेश कांग्रेस ने खेमे में की गई घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई। मौजूदा समय में विपक्ष के लगातार दुष्प्रचार और तीखी आलोचना के साथ ही भय का माहौल बनने से कांग्रेस पार्टी थोड़ा उदास महसूस कर रही है। इससे छुटकारा पाने के लिए और इस तरह पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं में उत्साहजनक माहौल बनाने के लिए शाम 6 बजे कविवर्य सुरेश भट्ट हॉल रेशिमबाग यहाँ सभा आयोजित की गई थी। कांग्रेस पार्टी की सभा हाल ही में सम्पन्न हुई है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज जी चव्हाण, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मुख्य अतिथि थे। लोकनेता रंजीत बाबू देशमुख 29 मई 2021 को 75 साल के हो गए। कोरोना संकट के कारण आयोजन समिति कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पा रही थी। अब जबकि सभी प्रतिबंधों में ढील दी गई है, कार्यकर्ताओं, समर्थकों और प्रशंसकों के आग्रह पर रैली का आयोजन किया गया। यह आयोजन कायाकल्प करने, प्रेरित करने और सभी को एक साथ लाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। कोरोना संकट के 2 साल बाद और उससे पहले भी राजधानी नागपुर में कोई बड़ा पार्टी कार्यक्रम नहीं हुआ था। यह पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे आने वाली चुनौतियों, आने वाले चुनाव के लिए तैयार करने का एक प्रयास है। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। हरायचं नाही, लढत राहायचं, संघर्ष करायचा आणि जिद्द त्या ठिकाणी सातत्यानं बांधून ठेवायची। आणि जिथे कुठे जिथे जिद्द जर आपण ठेवली तर कोणीही आपल्यासमोर चुकतं, काहीही चुकतं आणि निसर्गही चुकतं हे आपण रंजित काकांच्या रूपामध्ये इथं बघितले आहे। नागपुर के महाराजबाग के तानाशाही पूर्ण व्यवहार की सभी को जानकारी मिलने के हेतु से और इसके खिलाफ महाराजबाग प्रभात मित्र मंडल और यहां मॉर्निंग वॉक करने वाले नागरिकों द्वारा आज धरना आंदोलन किया गया। महाराजबाग प्रभात मित्र मंडल द्वारा आज सोमवार दिनांक 30 मई को नारे निदर्शन ने धरना आंदोलन किए गए। मॉर्निंग वॉक करने वाले महाराजबाग मित्रों ने अहिंसक शांतिपूर्ण आंदोलन में सहभाग किया, जिससे महाराजबाग प्रशासन के तानाशाही पूर्ण व्यवहार की सभी को जानकारी मिली। ये लड़ाई जनता, सीनियर सिटीजन और महिलाओं के हित को लेकर की गई। इस नारे निदर्शन धरने में महाराजबाग महिला वरिष्ठ नागरिक और महाराजबाग संघर्ष समिति के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
चूक कंट्रोलर मुर्दाबाद 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 डॉक्टर भास्कर मुर्दाबाद 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 डॉक्टर भास्कर मुर्दाबाद 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 जोर चुलम के अटैक जोर चुलम के रंगर पे चालू करो चालू करो भारत सेवा चालू करो चालू करो चालू करो भारत सेवा चालू करो चालू करो चालू करो आसन मंडल चालू करो आसन मंडल महाराज बाग अरे पहले लड़े थे गोरों से अरे पहले लड़े थे गोरों से डॉक्टर वाइस का मुर्दाबाद डॉक्टर वाइस का मुर्दाबाद महाराज बाग प्रशासन मुर्दाबाद भारत माता की जय। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। कोरोना से अनाथ हुए 79 बच्चों को 15 लाख रुपए के पैकेज का वितरण आज किया गया। इस वक्त प्रधानमंत्री ने बच्चों को कड़ी मेहनत का संदेश भी दिया। महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा इस भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपके जीवन में दुर्घटनाएं जीवन में अंधकार पैदा करती है, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ इससे बाहर आना जरूरी है। सरकार हमेशा आपके साथ है। बिना निराश हुए अगला कदम उठाए, आसमान में छलांग लगाए। केंद्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज यह भावुक अपील की है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन अनाथ बच्चों से ऑनलाइन बातचीत की जिनके माता पिता की कोरोना महामारी में मृत्यु हो गई। कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के बाद नितिन गडकरी ने भी बातचीत की। नागपुर जिले में 79 बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। मंत्री द्वारा आज यह जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित एक समारोह में उन्हें 15 लाख रुपए का पैकेज दिया गया। इस अवसर पर विधायक विकास कुंभारे, टेकचंद सावरकर, जिला कलेक्टर आर विमला, संभागीय उपायुक्त, महिला एवं बाल विकास रवि पाटिल उपस्थित थे। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रफुल्ल पटेल ने आज राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर प्रफुल्ल पटेल के साथ कांग्रेस के नाना पटोले, अजित पवार सहित अनेक मंत्री और विधायक नजर आए। साथ ही प्रफुल्ल पटेल को सभी ने शुभकामनाएं भी दी। Yeah.
सदर पुलिस थाने अंतर्गत इलाके में अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। मुखबिर से ये सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से तमंचा जब्त कर लिया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। जब अपराध प्रकटीकरण दस्ते के अधिकारी कर्मचारी नागपुर के विशेष पुलिस थाने के तहत विशेष अभियान में क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तब संदीप को अपने विश्वसनीय मुखबिर के माध्यम से जानकारी मिली कि अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। पुख्ता जानकारी की मदद से बड़ी कुशलता से जाल बिछाया गया और आरोपी मॉरिस फ्रांसिस को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को एक पिस्तौल पत्रिका और दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था और आगे की पुलिस जांच जारी है। 28/5/2022 आमची टीम गड्डे उदाम या भागामध्ये विशेष मोहीम राबत होती। त्या दरम्यानमध्ये तिथे पेट्रोलिंग करत असताना सकाळी 10 वाजता आम्हाला माहिती मिळाली की एक आरोपी इसम आहे, त्याच्याकडे एक पिस्टल आणि राऊंड बाळगून तो काहीतरी कृत्य करण्याच्या तयारीत आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही सर्व संपूर्ण माहिती काढली आणि माहिती कडून आम्ही सापळा रचून त्या इसमात ताब्यात घेतले। त्या इसमाचे नाव होते मॉरिस एरिक स्वामी फ्रान्सिस व 19 वर्ष राहणार कॅथोलिक चर्च जवळ मोहन नगर खलाशी लाईन। आणि त्याच्या ताब्यातून आम्हाला एक पिस्टल, एक मॅग्झिन आणि 2 राऊंड असा 46,000 रुपयाचा मुद्देमाल मिळालेला आहे। आरोपी आम्ही अटक केलेली आहे, सध्या तो PCR मध्ये आहे, त्याची आम्ही चौकशी करत आहोत की त्यांनी पिस्तूल कुठून आणलेली होती आणि कशासाठी आणलेली होती, याच्याबद्दल आता आमचा तपास सुरू आहे। सध्या त्याच्या आरोपीवर एक गुन्हा दाखल होता, तो जेव्हा ज्युव्हेनाइल होता त्यावेळी त्याच्यावर एक बॉडी ऑफ पेनचा गुन्हा दाखल आहे। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। उत्तर नागपुर के समता नगर, तारकेश्वर नगर, स्वामी नगर, नारी राज नंदिनी लेआउट, राजा भोज नगर, बांदे लेआउट, APM पब्लिक स्कूल के इलाके में बिजली वितरण कंपनी द्वारा इस क्षेत्र में बार बार बिजली गुल होने की वजह से गर्मी के दिनों में 2 घंटे तक लाइन बंद रहने से नागरिकों की हालत गंभीर होती जा रही है। गर्मी के दिनों में बच्चों के काफी हाल गंभीर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र निर्माण सेना की ओर से अपने विभाग को 3 दिन का समय देते हैं, इन 3 दिनों में इस क्षेत्र की सभी बिजली बहाल की जानी चाहिए, ऐसी अपील महाराष्ट्र निर्माण सेना ने की है। आंदोलन प्रभाग क्रमांक 2 उत्तर नागपुर विभाग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आम्मी 8-15 दिवस जाए MECBच्या माग सतत पाठपुरावा करता है कि तुम्ही लोड शेडिंग का करता है, कारण की रात्री 10-11 वाजता लाइन गेली तो सरळ रात्री 3 वाजता लाइन येते। त्याच्यामध्ये लोड शेडिंग मध्ये लाइन डीम असल्यामुळे तिथल्या नागरिकांच्या फ्रीजावर, TV वर, फॅनवर सर्व याचा फरक पड़ता है आणि याच्यामुळे फ्रीज उडत आहे, याचं नुकसान भरपाई कोण देणार, आम्हाला तेच शासनाला विचारायचं आहे। उत्तर नागपुराचे आमदार हे ऊर्जा मंत्री असून सुद्धा उत्तर नागपुरात MECBचं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोड शेडिंग आहे तर बाकी महाराष्ट्राने काय करावं, या महाराष्ट्राच्या नागरिकांना हाच प्रश्न पडला आहे की उत्तर नागपूरचे आमदार असून आणि ऊर्जा मंत्री महाराष्ट्र राज्याचे, या उत्तर नागपुरात लोक मोठ्या प्रमाणात त्रासून गेले आहे, कारण की आता एकच पर्याय राहिला आहे, उत्तर नागपूरचे जे MECBचे कार्यालय ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना येत्या 15 दिवसात हा प्रॉब्लेम सॉल्व झाला नाही तर आंदोलन आपिस फोड आंदोलन हाती घेणार। आता आज तुम्ही आलं MERC काय केलं आज? आम्ही त्यांच्या कोणतीच इथं अधिकारी उपस्थित नाही आहे, नितीन राव साहेब भाई नागपुरात 15 दिवसापासून नाही आहे आणि त्यांना आम्ही वारंवार सांगूनही कोणीच ऐकून न राहिलं आणि सतत तोच प्रॉब्लेम आहे। आम्ही त्यांच्या नितीन राऊत साहेब त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर त्यांची फोटो लावून त्यांना हार टाकला आहे। मेरा नाम मालती बोपचे है, मैं समता नगर गली 13 नंबर गली APN पब्लिक स्कूल से आई हुई हूँ, प्रभाग 2 से। सर 15 दिन हो गया लाइट नहीं है, उसके साथ साथ वोल्टेज भी नहीं है, रात रात भर लाइट गोल रह रही है, छोटे छोटे बच्चे इनको लेके हम लोग रोड पे सो रहे हैं,
उसके साथ साथ सांप निकल रहे हैं क्या, और हमारी मोटर जल रही, फ्रिज जल रहा, पानी नहीं है, इसकी हानि कौन भर के देगा? हम बार बार एमसीपी वाले को बुला रहे हैं, बस बोल रहे हैं डीपी जल रही, डीपी काम नहीं कर रही, ये क्या नाटक है? कोई अधिकारी आते हैं क्या? कोई अधिकारी नहीं है, अधिकारी आए बस ये इतना बोला सुधार देंगे, सुधारना का काम चालू है, कब तक चालू रहेगा सर? 15 दिन हो गया, 15 दिन, हाँ 15 दिन हो गया, बिल्कुल लाइट नहीं है हमारे गली में। वो क्या क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान हुआ ना, फ्रिज शॉर्ट हो गया, पानी की मोटर शॉर्ट हो गई, 20-25-30-40 हजार का नुकसान हो गया, ये नुकसान कौन भर के देगा? 6 दिन से पानी, 6 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, हमने नहाए नहीं, हमारे बच्चों ने नहीं नहाए हैं। नागपुर में महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संगठना के परिचारिकाओं ने वेतन बढ़ाने के लिए आंदोलन किया, साथ ही परिचारिकाओं को न्याय मिलने के लिए नारे लगाकर अपने वेतन बढ़ाने की मांग की। इस आंदोलन में काफी पैमाने पर परिचारिका शामिल हुई थी। केबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ लीना कटरे की रिपोर्ट। डोरली गांव में 28 मई को प्रदीप भोयर इनके घर में शॉर्ट सर्किट होने से अनाज, टीवी, फ्रिज इत्यादि कुल 2 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के उपमंडल अभियंता मनमोड़, अभियंता जलधर अधिकारी एवं तहसीलदार प्रसाद सांगले, अनुमंडल अभियंता MR VVK मारिया, पारशिवनी के अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य अर्चना दीपक भोयर, इन्होंने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कराने में सहयोग किया और खाद्य किट के साथ आर्थिक सहायता भी की। वीकेबी न्यूज के लिए कमल यादव इनकी रिपोर्ट। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।